नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप लोगों का स्वागत है। अभिनंदन, मैं दिनेश सिंह नेगी। अभी मुझे भविष्य बद्री आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह दिव्य धाम हमारे उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में पड़ता है और जोशीमठ तपोवन से यहाँ पर 14 किलोमीटर की डिस्टेंस में दूरी पर यहाँ पर यह स्थान पड़ता है। भगवान विष्णु भगवान का स्वयंभू यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, एक पत्थर पे, एक शिला पर। कभी छोटे रूप में थे, आज एक अपना पूरा विस्तृत रूप ले चुके हैं। यहाँ के पुजारी आदरणीय नेगी जी से मैं चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से आप बता देंगे भगवान भविष्य बद्री के बारे में। नमस्कार, जय बद्री विशाल। आप अभी साक्षात श्री बद्री विशाल जी के भविष्य के दर्शन कर रहे हैं। भविष्य एक अतीत होता है, जो आता भी है और चला भी जाता है। भविष्य धीरे धीरे आता है और चला जाता है। भगवान श्री बद्री विशाल जी का यह स्थान भविष्य है। स्थान पे भगवान प्रकट हो रहे हैं, वो भी स्वयंभू एक शिला पे धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। कहते हैं कि जोशीमन नरसिंह का एक हाथ बारीक हो रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी है। जैसे जैसे वो बारीक हो रहा है, वहाँ यहाँ पे इस शिला पे एक सुंदर सा आकार आ रहा है, जिसको श्री बद्री विशाल जी का स्वरूप कहा गया है। शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहता है, भगवान बद्री विशाल जी के द्वारपाल हैं जय विजय। जोशीमन नरसिंह जी का हाथ खंडित हो जाएगा, जय विजय द्वारपाल आपस में द्वार को बंद कर देंगे बद्री विशाल जी के क्षेत्र का। उसके तत्पश्चात उस द्वारपाल को भी पट मेला भी कहा जाएगा। उसके बाद भगवान बद्री विशाल जी की पूजा इस स्थान पे पूर्ण रूप से की जाएगी। यह वह स्थान है जिसे धरती का द्वितीय भू वैकुंठ धाम भी कहा गया है। इस स्थान पे मनुष्य एक बार आने से मनुष्य जीवन का भी उद्धार हो जाता है। तो आप अभी साक्षात श्री बद्री विशाल जी के द्वितीय भू वैकुंठ धाम में पधारे हैं। धन्यवाद जी। और हम चाहेंगे, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक बार बद्रीनाथ की यात्रा करने के पश्चात आप जरूर यहाँ पे भविष्य बद्री जरूर पधारें और बहुत सुरम्य और अद्भुत यहाँ का नजारा है। और यहाँ पर एक तपस्थली जैसे मान सकते हैं कि ऋषि मुनियों का, और यहाँ पर ध्यान योग के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल शांत यहाँ पे वातावरण हमको मिलता है और यह एक सुंदर, यहाँ पे कितने अच्छे वेव हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर दिव्य पुरुष रहे होंगे जिन्होंने कि ये खोज किया है। और ऐसे देवभूमि में अनेकों स्थान हैं जहाँ पर भगवान स्वयंभू प्रकट होते हैं, और ऐसे स्थान पर मेरा सभी दर्शकों को एक बार प्रणाम है और नमन करता हूँ मैं। एक बार जरूर आए भविष्य बद्री। जय बद्री विशाल।